कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की समाप्त पर मजीद बात भी करेंगे। यहां अहम खबर दें आपको, चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जारी है। इजलास में वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार और सिकंदर बोसन के रेफरेंस पर गौर किया जा रहा है। जानेंगे 24 न्यूज के नुमाइंदे उवैस कियानी से। उवैस कियानी, बताइएगा इजलास में कौन से अहम फैसले मुतवक्के हैं? देखिए जी, नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का इजलास जारी है, जिसमें फैसले मुतवक्को हैं। स्पेशली जो सिटिंग मिनिस्टर हैं सिकंदर अयाज बोसन, उनके खिलाफ जो मुल्तान ब्यूरो में जो आने वाली जो कंप्लेन थी उसकी जो इब्तदाई जो मराहल हैं वो तय हो चुके हैं, और आज कंप्लेन वेरिफिकेशन के बाद इसकी इंक्वायरी का हुक्म जो है वो दिया जाएगा। आया देखा जाएगा कि इसकी जो है ये जो दरख्वास्त आई थी ये इस पर इंक्वायरी कंडक्ट होती है या नहीं। इसका एक अहम जो चीज है इसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो गैर कानूनी तरीके से जो असासे जो बनाए गए हैं सिकंदर अयाज बोसन, उसके खिलाफ की एप्लीकेशन आई थी जिसकी आज मंजूरी दी जाएगी इंक्वायरी के। इंसान जो अहम तो उसमें ये है कि जो इसहाक डार हैं उनके हवाले से वो रिश्ता जो केस जो है जैर समाप्त था जिसमें तफ्तीश हुई थी, लेकिन अब जो जैन के जो तफ्तीशी अफसर हैं नैब के उन्होंने सबूत नहीं उनको मिल सके जो इल्जाम उनसे